सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के इस ब्लॉग में क्या होने वाला है मेरे को खुद पता नहीं है भाई। तो अभी फिलहाल मेरे को विक्की भाई फोन किया था, बोल रहा था कि चलो रील शूट करने के लिए। तो मैं भी बोला कि चलो हाँ भाई रील शूट करने के लिए चलो भाई। फिलहाल एक दोस्त के घर में जाना है और वहाँ पर जाके कैमरा उठाना है, उन लोगों का रील शूट करेंगे। तो देखते हैं भाई आज का दिन कैसे पार होगा। तो आप लोग ब्लॉग को ब्लॉग में देखने को मिल ही जाएंगे, तो ब्लॉग पे बने रहना। तो गाइस फिलहाल एक दोस्त के पास आए हुए हैं थोड़ा सा कैमरा लेने के लिए, और वो कैमरा लेते हैं और फिलहाल अभी चलेंगे हम लोग रील शूट करने के लिए। तुमको दिया ना भेज के? हाँ ठीक है। तो ये भाई है अभी देने के लिए आए हैं कैमरा। तो गाइस मेरे को मिल चुका है यहाँ पर कैमरा, लेते हैं और चलते हैं डायरेक्ट लोकेशन पे। तो अभी भाई हम लोग कैमरा लेने के बाद लोकेशन पे जा रहे हैं, देखते हैं कौन सा जगह अच्छा रहता है। तो लोकेशन पे अभी पहुँच चुके हैं भाई, ये रहा। तो यहाँ पर विक्की भाई अभी बाइक उधर ले जा रहा है, तो यहाँ पर चढ़ने वाले हैं और थोड़ा रील शूट करेंगे, उसके बाद निकलेंगे भाई घर तरफ। जो सीन है ना काफी भयानक है भाई, आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर कुछ लोग वगैरह सोए हुए हैं भाई। अरे भाई साहब ये देखो यार, यहाँ से अगर गिरोगे ना भाई तो फिर दोबारा उठ नहीं पाओगे कभी भी। तो यहाँ का लोकेशन देखो, और काफी भयानक लोकेशन है भाई। मैं आपको एक बार जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर कुछ काम चल रहा है। तो चलते हैं थोड़ा सा और ऊपर, ये शूट करने वाले हैं। तो यार ब्लॉग पे बने रहो। तो अभी फिलहाल वो लोग का प्रैक्टिस चल रहा है भाई रील्स के लिए। अभी एक रील शूट भी कर दिया हूँ मेरे भाई, अभी फिर से अभी मैं शूट करने वाला हूँ। ये गाइस तो अभी घर तो पहुँच चुके हैं, अब चलो यार खाना खाते हैं। और उसके बाद खाना खाने के बाद अभी चंदन आने वाला है, और चंदन आएगा ना भाई तो फिर अभी चलने वाले हैं कहीं और। तो गाइस खाना पीना हो गया कंप्लीट और यहाँ आ चुका है, है? कहाँ जाएगा अभी? चलेंगे उधर ही ना, चलो यार। तो अब हम लोग निकल चुके हैं, कहाँ जा रहे हैं वो हमको मालूम नहीं है, बट अभी निकल चुके हैं। सो गाइस अभी यहाँ पर रुके हुए हैं का कुछ काम, और चलो देखते हैं भाई क्या काम है वो, अभी फिलहाल चलेंगे कहीं और। फिलहाल अभी मतलब चंदन पैसा देने के लिए आया था भाई, और अभी चलते हैं मार्केट तरफ। अब मार्केट से डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाने वाले हैं। गाइस मार्केट तो आ गए हैं, बट मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ से जाना कहाँ है भाई। अभी फिलहाल हम लोग मतलब रोड में ही चल रहे हैं, कहाँ जाते हैं भाई? ये चंदन भाई मेरे को कहाँ लेके जा रहा है आज? ये गाइस तो अभी फिलहाल ना मेरे को चंदन भाई इधर ले आया, बोल रहा था यहाँ पर सूर्य मंदिर पास, ये देखो मेरे बगल में सूर्य मंदिर है। और यहाँ पर आने के बाद ना मेरे को बोल रहा है ना कि भाई कहाँ जाए यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोले चलो यार तुम दिखा दो सूर्य मंदिर दिखा दो। तो मैं भी सोचा कि थोड़ा भाई जब कतरास में आया हूँ तो थोड़ा सूर्य मंदिर के बारे में दिखा देता हूँ। तो अरे पीछे ये सूर्य मंदिर है, काफ़ी फेमस मंदिर है भाई। और यहाँ पर ना मैं बात करूँ तो यहाँ पे छठ पूजा में ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है। यहाँ पे एक बजरंगबली का मंदिर भी तैयार हो चुका है, मतलब बन के तैयार हो चुका है ये मंदिर, जो कि छठ पूजा में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है भाई। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे सूर्य मंदिर के पास तो खड़ा था, यहाँ पर तो सारा चीज़ दिखाई दिए हैं भाई। अभी फिलहाल चलते हैं, चंद्र भाई कहीं ले जा रहा है, देखते हैं अगर कहीं जाने का मन करे तो चलेंगे, और ना जाने का मन करेगा तो भाई फिलहाल घर चले जाएंगे और क्या। गाइस अभी फिलहाल अभी मंदिर वगैरह तो दिखा दिए हैं, लेकिन सबसे पहले हमको बहुत कस के प्यास लगा है पानी यार, यहाँ पर नल लगा हुआ है, चलो यार पानी पीते हैं यार। तो गाइस फिलहाल इतना घूमने के बाद अभी डिसाइड हुआ है कि रानी बाजार में, अभी मैं रानी बाजार में हूँ और रानी बाजार में एक करंच खुला हुआ है भाई, चल चलते हैं और यहीं पर कुछ खाते हैं भाई, देखते हैं क्या मिलता है। एक कैफे टाइप का है शायद, मेरे को लग रहा है कैफे है ना। तो हम लोग करंच में देखते हैं क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, कुछ खाएंगे और निकलेंगे फिर क्या। तो भाई चलो यार इसके अंदर चलते हैं। तो ये रहा कुछ अभी डेकोरेशन किया गया है, चलो अभी चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह का यहाँ पर किया गया भाई। सही एंटर करोगे ना भाई तो यहाँ पर आपको कुछ बैठने का सीन भी दिया गया है, और ये एक छोटा सा कैफे है भाई, लेकिन बहुत ही शानदार यहाँ पर डेकोरेशन किया गया है। जो लाइट है ना भाई काफी भयानक लग रहा है, और ये जो लाइट है आप रस्सी का देख सकते हो, ये सब रस्सी का बंधा हुआ है। अब बैक कैमरे से दिखाता हूँ सारे को यार। तो आप जैसे एंटर करोगे ना भाई, पर काफी सारा यहाँ पर सोफा सेट लगे हुए हैं, जैसे कि ये बैठने का साइड कुछ लगा हुआ है। और छोटा सा कैफे है जो कि काफी प्यारा लग रहा है, काफी भयानक है, और वो दो भाई लोग हैं जो कि यहाँ पर सर्विस करते हैं। और यहाँ
तो इतना चीज होने के बाद अभी फिलहाल हम लोग का डिसाइड हुआ है आइसक्रीम खाने वाले हैं भाई, क्योंकि बाहर में तो बहुत ज्यादा गर्मी है। तो अभी फिलहाल मैं मंगवा रहा हूँ यहाँ पे आइसक्रीम। चलो यार, आज चंदन भाई मेरे को खिलाने वाले हैं। अभी फिलहाल जैसे मैं घर पहुंचा ना, और गुपचुप बेचने के लिए आए हैं, तो चलो यार अभी गुपचुप बनाते हैं और खाते हैं। भाई नन भाई को नहीं देने वाले हैं क्योंकि मेरे पास पैसा भी खत्म हो चुका है, तो 5 रुपये बना रहे हैं सोचो।